हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी साथियों, इस वीडियो में बताया जाएगा मकर संक्रांति के दिन ऐसे कौन से उपाय कर लेने से घर के अंदर हमेशा खुशियां बनी हुई रहेगी, आपका किया हुआ गया दान पुण्य अक्षय हो जाएगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। जी साथियों, सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें। शिवालय जाकर एक लोटा जल का अपने घर से भरकर ले जाएं और शिवलिंग पर जरूर अर्पण करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन देसी गाय के घी का दान करना और कंबल इत्यादि दान करना, जो ओढ़ने की कंबल होती है वह दान करना बहुत ही अच्छा दान माना जाता है। साथ ही जानवरों को अन्न खिलाना, भोजन खिलाना भी अति उत्तम माना जाता है। गाय को गुड़ के लड्डू, तिल और गुड़ के लड्डू, या गाय को चारा खिलाना, रोटी के ऊपर गुड़ रख कर के मकर संक्रांति के दिन खिलाना, गौशाला में जाकर के दान करना, गौशाला में जाकर के चारा खिलाना, गुड़ तिली के लड्डू खिलाना या गुड़ खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी हुई रहती है। मकर संक्रांति के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, जल का छिड़काव सुबह जरूर करना चाहिए। अक्षोक के पत्ते की वांदरवाय 21 पत्ते, 11 पत्ते, 51 पत्ते, जो पत्ते आप लेना चाहो अशोक के पत्ते की वांदरवार अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए, जिससे माँ अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी हुई रहती है। अपने बच्चों से भी, छोटे बच्चों से भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दिलाएं, जिससे मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ती है, बच्चों का बुद्धि विवेक अच्छा होता है। सात दान गेहूँ, मक्की, जौ, उड़द, मूंग, तिल्ली इत्यादि सातों चावल, सातों दानों को मिक्स करके पक्षियों को जरूर डालना चाहिए, जिससे राहु, शनि, केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। गुड़ तिल्ली के लड्डू में गुप्त लक्ष्मी रख करके ब्राह्मणों को या मंदिर में दान करना जरूर चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पूरे वर्ष भर घर के अंदर धन संपदा हमारी बनी हुई रहती है। इस दिन पूजा पाठ करना और भजन करना बड़ा उत्तम माना जाता है। थोड़ा भी भजन कर लेने से अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा के पाठ करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। दरिद्र दाहन स्त्रोत का पाठ करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, या फिर आपके गुरु ने कोई अगर मंत्र दिया है तो दिन भर उस मंत्र का उच्चारण करते रहें, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं पूरे वर्ष भर नाम लेना और मकर संक्रांति के दिन नाम ले लेना अक्षय पुण्य की प्राप्ति देता है, उतना ही फल देता है जो हमने पूरे वर्ष भर नाम लिया है, तो जरूर से जरूर ये कार्य करना चाहिए। दीप दान करना, शिवालय में, मंदिरों में दीप का दान कर लेने से हमारे घर के अंदर अखंड दीप यानी कि पुत्रों की आयु बड़ी होती है, पुरुषों की आयु लंबी होती है। इन उपायों को जरूर करें। हर हर महादेव। आपको फिर से याद दिला देती हूँ, मकर संक्रांति के और भी वीडियो चैनल पर हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। इन उपायों में से आप कोई भी एक या दो उपाय बड़े मन से करोगे तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, उतना ही फल प्राप्त होगा। उपाय हमेशा हमें हमारी श्रद्धा के साथ करने चाहिए, कर्जा लेकर के कभी कोई उपाय या दान पुण्य नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारी सामर्थ्य के अनुसार हम उपायों को करें।